हे गाइस, वेलकम टू एक न्यू एंड एक्साइटिंग वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो भी पाइनियर्स है, बहुत दिन से पाई का माइनिंग कर रहा है, वो कैसे अपने पाई टोकन को सेल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा सकती हूँ। यहाँ पर आप चाहे तो पाई टोकन को सेल करके INR में ले सकते हो, अपने UPI ID बैंक में, गूगल पे में, फ़ोनपे में, कई भी मेथड से आप यहाँ पर ले सकते हो। अगर आप प्रेफर करते हो आपका ट्रस्ट वॉलेट, उसमें भी ले सकते हो। अगर आपके पास बाइनेंस का अकाउंट है उसमें भी आप लोग पेमेंट ले सकते हो। तो आज की वीडियो में मेनली मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कैसे आप अपना पाई टोकन को सेल आउट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी KYC पेंडिंग है या फिर अगर KYC नहीं आ रही है, हमेशा स्लॉट फुल हो रही है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उसका भी वीडियो के एंड में बता दूंगी। और गाइस, मैं आपको एक चीज़ से ज़रूर अलर्ट करूंगी कि अभी भी बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं पाई के नाम पे, क्योंकि फ़िलहाल पाई ट्रेंड में चल रही है, पाई सेलिंग वगैरह, तो बहुत लोग इसका ही मतलब कि इसका ही बेनिफिट लेकर बहुत सारे स्कैम कर रहे हैं। उससे कैसे बचना है ये भी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और मैं आप लोगों को मैं बता दूँ सेफली विदाउट एनी स्कैम कैसे आप अपना पाई टोकन को सेल कर सकते हो, वो चीज़ इस वीडियो में आपको A to Z प्रैक्टिकली बता दूंगी। तो चलिए वीडियो को फाइनली स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक करके सारी स्टेप बता देती हूँ। सो देखो, सबसे पहले आपको अपना पाई टोकन को सेल करने के लिए यहाँ पर आपको अपना KYC को कंप्लीट करनी है। KYC कंप्लीट जैसे हो जाएंगे आपको यहाँ पर मेन नेट पे क्लिक करके देख लेना है। यहाँ पर देख सकते हो मेन नेट चेकलिस्ट पे, जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो आपकी जो KYC वाला रिजल्ट है यहाँ पर टिक मार्क आ जाएंगे। अगर आपको ये नहीं पता गाइस कि KYC कैसे करना है, तो आप सिंपली हमारे YouTube चैनल पे जाओ। यहाँ पर YouTube चैनल पे इस वाले वीडियो को आप एक बारी देख लेना। पूरा KYC का प्रोसेस मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाई हूँ, बच्चे से बुरे तक हर कोई समझ लेगा जितना ईजिली मैं आप लोगों को समझाई हूँ। तो उस वीडियो को जैसे देखोगे तो आपको पूरा नॉलेज आ जाएंगे कि पाई नेटवर्क में KYC कैसे करनी है। जैसे ये चीज़ आपकी KYC हो जाती है, उसके बाद आपको यहाँ पर पाई वॉलेट को यहाँ पर ओपन करनी है। पाई वॉलेट में ओपन करने के बाद गाइस, चलो मैं इसको सबसे पहले अनलॉक कर लेती हूँ। अनलॉक करने के बाद गाइस, लॉगिन करने के बाद गाइस, जितना भी बैलेंस आपके यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस पे शो कर रही है, जैसे ऊपर में देखो एक बैलेंस है, एक अवेलेबल में है, ये जो अवेलेबल वाला बैलेंस है उसी को आप बस सेल कर सकते हो। ठीक है, अभी सेल कैसे करना है, ट्रस्टेड बायर के पास कैसे कॉन्टैक्ट करना है, चलो मैं बता देती हूँ। इसके लिए और एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है टेलीग्राम। आपको प्ले स्टोर में टेलीग्राम यहाँ पर जाकर सर्च करोगे, इसमें एक मोबाइल नंबर वगैरह देके आप यहाँ पर टेलीग्राम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे ओपन कर लेते हो, उसके बाद आपको आना है और यहाँ पर सर्च बार में आके आपको यहाँ पर सर्च करना है @ देख लो गल, जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ इसको, नहीं तो इसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे। यहाँ पर आना होगा, जो टॉप पे होगा इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको नेम मिल जाएंगे चल का, उस पर जैसे क्लिक करोगे मोर का ऑप्शन मिलेगा, मोर पे क्लिक कर दो, यहाँ पर कॉन्टैक्ट मी का ऑप्शन मिलेगा, ये मेरा ID है, आप मेरे को कॉन्टैक्ट करके इजिली मेरे पास आके अपना पाई टोकन को सेल कर सकते हो। वो भी जो मार्केट में अभी रेट चल रही है उस हिसाब से आपको हाई रेट आपको मिल जाएंगे, प्लस जीरो रिस्क है, आपको यहाँ पर इंस्टेंटली पेमेंट दे दिया जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आप चाहे तो INR में ले सकते हो, बाइनेंस में ले सकते हो, अगर आप इंडिया के बाहर हो तो हम आपको बाइनेंस में भेजेंगे या फिर आपकी ट्रस्ट वॉलेट में, जहाँ पर भी मर्जी आप यहाँ पर पेमेंट ले सकते हो। चलो मैं आप लोगों को कुछ प्रूफ भी दिखा देती हूँ। हमारे चैनल को चेकआउट करोगे तो बहुत सारे आप लोगों को यहाँ पर प्रूफ मिलेंगे, जिन्होंने मेरे को यहाँ पर पाई टोकन भेजे थे उन सबका मैंने सेल आउट कर दिया था। देखो बस एक मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर कि मेरे पहले से कोई इरादा नहीं था आप लोगों से मैं पाई वगैरह बाय करूँ, बट गाइस आप लोगों में से बहुत सारे मेरे को मैसेज करके आके बोलते थे मैम हमारे साथ यहाँ पर पाई टोकन मैंने किसी को दिया था तो मेरे से स्कैम हो गई। तो इसके लिए गाइस मैंने सोचा चलो मेंबर्स के ऐसे स्कैम से बचाने के लिए मैंने सोचा एक कदम और लेती हूँ और सेफली आप लोग कैसे यहाँ पर पाई टोकन को सेल कर सकते हो। इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लेकर आप लोगों को टोकन को यहाँ पर सेल आउट करवा रही हूँ, ताकि इसके देखो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पर रेट ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पर ज़्यादा रेट मिल रहा है, बट गाइस ज़्यादातर वहाँ पर 98% लोग स्कैमर होते हैं जो ज़्यादा रेट देते हैं, क्योंकि मार्केट में जो प्राइस चलते हैं ना उससे कहीं गुना ज़्यादा वो लोग ऐसे रेट देते हैं, ताकि आप लालच और उनका जो जाल है उसमें फंस जाओ। तो इसके लिए गाइस, ठीक है ना, तो आपको उनका जो जाल है उसमें फंसना नहीं है, बिल्कुल आपको जेन्युइन की तरफ आपको जाना है। चाहे आपको 4-5 रुपये कम ही मिले, आपको जेन्युइन आपको प्राइस मिलेगा, मतलब कि सिक्योरिटी के साथ वैल्यू मिलेगा, इसको बस कंफर्म करना। मैं सपोज मैं मान लेती हूँ कि आपको जहाँ पर 7,000 रुपये से बन रही है, जो स्कैमर है वो बोल रहा है आपको 7,000 रुपये देंगे, बट अगर जो जेन्युइन बंदा है वो बोल रहा है 5-10 रुपये कम करके आपको देंगे, तो आपको हमेशा गाइस यहाँ पर जेन्युइन के साथ जाना चाहिए, बिकॉज वो स्कैमर जो है वो 7,000 रुपये का लालच तो आपको दे देगा, बट एक्चुअल में जब पेमेंट की बारी आएगा आपको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, आपको बिल्कुल पेमेंट नहीं करना है, तो 10-20-50 रुपये के चक्कर में आप स्कैमर के पास मत जाओ गाइस, आपको जेन्युइन लोगों के साथ डील करनी है। ठीक है, ID वगैरह मैंने दे दिया हो, कैसे आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट करना है आप चल पाओगे, यहाँ पर मेरा यूज़र ID, नहीं तो आपको चल के नेम से आपको यूज़र ID मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर आके मुझे
मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, यहाँ पर मैंने डीएम के लिए एक यूजर आईडी दिया है, बस इसी पे क्लिक करके आपको डीएम करना है और कुछ किसी को मत करना अगर आप मेरे से सेल आउट करना चाहते हो, ठीक है। अगर आपके पास और कोई ट्रस्टेड बायर है तो आप उसको भी जाकर सेल आउट कर सकते हो। बस प्रोसेस मैंने आप लोगों को समझाई हूँ, आपको बस यहाँ पर अपना पाइको सेंड करनी है मुझे और आपका यूपीआई आईडी हो या आपका बाइनेंस आईडी हो मुझे दे देना, मैं आपको इंस्टेंटली पेमेंट कर दूंगी, ठीक है। अभी तक 400 प्लस लोगों को हमने सेल आउट करवा दिया है, तो आपको अगर करना है गाइस आप कर सकते हो। अब बारी आती है केवाईसी लेकर जिनको प्रॉब्लम्स आ रही है उनका सोल्यूशन पे। जैसे मैंने फर्स्ट वाला वीडियो डाला है ना, उसके बाद से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर केवाईसी रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आने लगी है, तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ एक एक करके, जो भी लास्ट वीडियो में कमेंट्स वगैरह आई थी वो भी सोल्यूशन में कर दूंगी। तो कुछ लोगों को कहना है कि हमने फर्स्ट 3 स्टेप तो कर लिया है बट अभी तक हमको केवाईसी के लिए जो स्लॉट है वो नहीं मिल रही, तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आपका 2-3 दिन या फिर 5-10 दिन में भी नहीं आती है तो कुछ और इंतजार कर लीजिएगा, क्योंकि पाई नेटवर्क ना अपना सभी यूज़र को यहाँ पर केवाईसी करने का ऑप्शन देगा, वो भी 100%, एक भी ऐसा यूज़र बचेगा नहीं जिसका केवाईसी का लिए स्लॉट नहीं रहेगा, ऐसा मतलब कि सबको यहाँ पर करने के लिए मौका मिलेगा, चाहे किसी का जल्दी आ जाते किसी का कुछ दिन बाद, बट आ जाएंगे। अभी आते हैं और एक क्वेरीज के ऊपर जहां पर लोगों का कहना है कि मैंने केवाईसी सबमिट तो कर ली, 1-2 मंथ हो गई बट स्टिल उसका अप्रूव नहीं हो रही है, तो उसका क्या रीजन है वो चीज मैं चलो बता देती हूँ। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर एक यूज़र ने मुझे लिख के भेजा है कि मैम मेरा जो दोस्त का केवाईसी है वो यहाँ पर 1 मंथ से पेंडिंग में है बट मैंने जब केवाईसी करनी की यहाँ पर 2 मिनट में हो गई है, तो इससे तो इतना साफ साफ पता चलती है गाइस केवाईसी अप्रूव होने में ज़्यादा वक्त नहीं लग सकती है, किसी का 2 मिनट, किसी का 5 मिनट या 10 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा अगर आपका अप्रूव होना है। बट अगर आपके अप्रूव नहीं होती है, एक बार पेंडिंग में चले जाते हैं और 1 दिन के बाद या फिर 10 मिनट के बाद या फिर आधा घंटा बाद भी नहीं होती है, तो आप समझ लो 1 मंथ चले जाए या 2 मिनट चले जाए, 3 मंथ भी चले जाए, स्टिल आपकी अप्रूव नहीं होगी। तो यहाँ पर एक ब्रीफली मैं आपको बता देती हूँ पाई नेटवर्क में केवाईसी अप्रूव कैसे होती है। पहले जैसे आप यहाँ पर केवाईसी सबमिट करते हो ना, तो उसी टाइम जो पाई का जो मशीन द्वारा सबसे पहले छोटा मोटा वेरिफिकेशन हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर पाई नेटवर्क के जो वैलिडेटर लोग हैं उनके पास आपकी केवाईसी डिटेल्स भेजा जाते हैं और उनमें से 2-3 वैलिडेटर्स को दिखाए जाते हैं कि ये जो यूज़र है इसका जो फोटो आप देख रहे हो रियल है या फिर इसका वीडियो रियल दिख रहा है कि नहीं या फिर इसका जो आधार कार्ड है इंडियन लग रही है कि नहीं, ये दिखाते हैं। और अगर वैलिडेटर लोग यहाँ पर यस कर देते हैं, ठीक है, तो आपकी केवाईसी पास हो जाती है। जब वो लोग बोलते हैं कि इसका पिक्चर क्लियर नहीं है या फिर ये फेक लग रही है, ऐसा कुछ लग रही है जिससे मतलब पता नहीं चल रही है आधार कार्ड में जिसका फोटो है वही वो बंदा एक्चुअल में है, जब मैच नहीं कर रहा, तब जाके आपकी केवाईसी अप्रूव नहीं होती है। कुछ लोगों को ऐसा होता है फेस का थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाती है, ठीक है, तो आपके आधार कार्ड की जो फोटो है उसके साथ अभी जो आपकी फेस है वो नहीं मैच होने की वजह से भी यहाँ पर केवाईसी नहीं होती, और किसी किसी का नेम वगैरह में थोड़ा बहुत इशू की वजह से भी अप्रूव नहीं हो पाती है, ठीक है। तो यही रीज़न है गाइस आपकी पेंडिंग जाने के। फिलहाल पेंडिंग जो है गाइस उनका मैं बता देती हूँ, वेट करने के अलावा और कोई दूसरा वे नहीं है, आप बस वेट ही कर सकते हो। अगर देखो आपके मेन अकाउंट पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैलेंस है तो आप वेट कर लीजिए, नहीं तो एक दूसरा न्यू अकाउंट बना के उसमें केवाईसी कर सकते हो, बाकी जो भी सही लगे वो आप बता सकते हो, कर सकते हो। अब आते हैं उन लोगों के ऊपर जो लोग बोलते हैं कि मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं होते, तो उन लोगों को मैं बता देती हूँ, देखो अगर आपकी मोबाइल नंबर गुम हो गई या फिर चेंज हो गई है या फिर आपको मिल नहीं रही है या फिर वेरीफाई नहीं हो रही है, कोई भी रीज़न है तो मैं बता देती हूँ, सबसे पहले जिनके पास है स्टिल वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो, पहले अपना मोबाइल नंबर पर 5-10 रुपये का टॉपअप कर लीजिए, फिर वेरीफाई कीजिए, हो जाएंगे, ठीक है। जिनके नंबर गुम हो गई है या फिर रिकवर करना पॉसिबल नहीं है, वो लोग क्या करना, एक न्यू अकाउंट बनाना और उसमें जो असली वाला नंबर है दूसरा नंबर न्यू नंबर देके यहाँ पर कर लेना। और जिनका नेम वेरीफाई नहीं हो रही है उनके लिए मैं बता देती हूँ, आप अगर पाई एप्लीकेशन में जाके प्रोफाइल हिस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पर आपको एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो उधर से आप एडिट वगैरह कर सकते हो। अगर होपफुली रजिस्टर्ड टाइम आप अलग नाम डाल लेते हैं बट केवाईसी के पहले आप रियल नेम रखना चाहते हो तब आप उधर से एडिट कर सकते हो। तो इतना सारा क्वेरीज आ रही थी मेरे पास, तो मैंने सभी का यहाँ पर आंसर कर दिया। स्टिल अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह है पाई नेटवर्क को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हो। अब मैं बता देती हूँ पाई टोकन को आपको होल्ड करना है, सेल करना है, क्या इसका प्राइस रहेगा और मैं क्या कर रही हूँ, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। पर चलते आओगे तो यहाँ पर कुछ इनसाइडर न्यूज़ बताई हो जिससे साफ साफ ये पता चलती है कि प्राइस मतलब कि पाई का जो प्राइस अभी अनऑफिशियली चल रही है वो बहुत ही जल्दी क्रैश होने वाला है और बहुत ही जल्दी आपको $0.1 तक मिलेगा, अभी $0.28 के आसपास को चल रही है फिलहाल तो, ठीक है। आज 2 टाइम्स डंप हुई है, 12-1 बजे एक हुआ है, अभी 2:30 बजे के आसपास एक बार और हुआ है और बहुत ही जल्दी गाइस 3 सितंबर को और भी ज़्यादा टोकन अनलॉक होगा, लोग सेल करेंगे तो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा प्राइस डंप होगी, ठीक है। और जितना भी वेल्स वगैरह थे जो अपना बैग भर रहे थे उनका ऑलमोस्ट जो क्वोटा है वो फुल हो गई है, ठीक है, अभी ज़्यादा बायर्स भी नहीं मिल रही है। सो अगर ज़्यादा बायर नहीं होगा और टोकन मार्केट में बहुत ज़्यादा आ चुका होगा तो डेफिनेटली रीज़न बनती है गाइस यहाँ पर प्राइस क्रैश होने की, सिंपल बात है। बाकी और भी कुछ रीज़न मैंने आपको बताई हूँ कि ये जो बाइंग है ना ये अनऑफिशियली हो रही है और ये बस फोमो की वजह से है, ठीक है, फोमे में लोग आके बाय कर रहा है, सो ये आप समझ सकते हो। बाकी सारी चीज़ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ और मैं जो कर रही हूँ मैं फिलहाल एक पाई टोकन तक होल्ड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा बाकी जो टोकन है ना वो अनलॉक है, सॉरी लॉक्ड है अभी भी, और यहाँ पर अनलॉक होने में 1-2 साल तो लग ही जाएंगे गाइस पूरा अनलॉक होने में, तो मुझे यहाँ पर अलग से होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना भी अनलॉक हो रहा है मैंने इंस्टेंट टू इंस्टेंट सेल कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी प्रॉफिट बुक करना है। अगर मुझे आगे फ्यूचर में पाई का यहाँ पर टोकन
कब मैं मिलता है तब जाके मैं बाय कर लूँगी, क्योंकि बाइंग का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा मुझे, इतना पता है। अगर मेरे पास स्टेबल कॉइन है या फिर फियाट है एनर में, तो मैं कभी भी इसको बाय कर सकती हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट ये जो रेट मुझे फोमो में मिल रहा है, ये मुझे हर बार नहीं मिलेगा। आप समझ लो पाई की वैल्यू 0.05 भी था, 0.5 मतलब आधा डॉलर भी था, तब भी लोग नहीं सेल कर रहा है, ठीक है। और अभी भी थोड़ा बहुत बची है, तब भी लोग सेल करने के लिए रेडी नहीं है, पता नहीं क्यों उनका क्या सोच है। बस देखो एक मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, अगर पाई का प्राइस बढ़ना है तो अभी नहीं, आप ऑलमोस्ट 5-6 साल बाद इसका कुछ अच्छा रिजल्ट देख सकते हो। फिलहाल तो मुझे उतना कुछ नहीं दिख रहा है। इसका लिस्टिंग के बाद भी प्राइस बहुत ही डंप होएगा, और डंप जब होएगा तब आप यहाँ पर कुछ, अगर आपको लॉन्ग टाइम तक होल्ड करना है उस टाइम आप लोग यहाँ पर होल्ड कर सकते हो। बट फिलहाल मेरे जो ओपिनियन है, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है कि आपको सेल करना है होल्ड करना है। 5-6 साल के पहले मैं बहुत ज़्यादा तो यहाँ पर पाई की जो प्राइस है वो दिखता नहीं हो, बाकी सप्लाई और जो लिक्विडिटी है ये भी मैटर करता है। ऐसे नहीं यहाँ पर कुछ ऑफिशियल प्राइस है 3 लाख समथिंग या फिर ऐसा कुछ प्राइस दिखा रहे, उस पर तो मैं कभी बिलीव ही नहीं करती हूँ। बाकी आपका जो ओपिनियन है इसको लेकर आप बता देना, ठीक है। तो मैं फिलहाल होल्ड नहीं कर रही हूँ, मैं अपना प्रॉफिट बुक कर रही हूँ। बाकी आप लोगों को जो भी है सेल करना है होल्ड करना है आप कीजिएगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर कुछ वियतनाम बार के मैं कन्वर्सेशन दिखा देती हूँ। ये लोग भी बोल रहे हैं कि हम भी आगे जगह सेल करेंगे, भैया हमको भी कोई शौक नहीं है यहाँ पर होल्ड करने की, बस हम अभी सेल करके यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। बाकी आपकी मर्जी, जो भी है आपको सही लगता है वो आप कीजिएगा। अभी देखो यहाँ पर और भी कुछ मेरे पास यूज़र आए हो, बोले कि मैम इस चैनल पर मुझे हाई प्राइस मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर कुछ और दिखा देती हूँ। वैसे यहाँ पर बहुत सारे स्कैमर है, लाइक जैसे कि देख सकते हो स्कैमर वाले चैनल है गाइस, इस पर कभी भी बिलीव मत करना। ऐसे मेरे पास 5-6 यूज़र आए थे जिनके साथ इस चैनल वाले ने स्कैम कर दिया, तो इससे बच के रहना। आपको हाई रेट का जरूर लालच देगा, बट जब पेमेंट की बारी आएगा ना तो आपको ब्लॉक कर देगा। इन सारे चैनल से आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर दूर ही रहना, भले ही आपको यहाँ पर प्राइस ज़्यादा दिख रहा है, बट गाइस आपको यहाँ पर अब जब टोकन सेल करोगे ना तो आपको 1 रुपये भी मिलेगा नहीं। इससे आप जेन्युइन बंदे से डील करो, भले आपको 4-5 रुपये कम दे रही है, बट अल्टीमेटली आपके इतना दिन की जो मेहनत है, 2-2.5 साल की जो मेहनत है, वो एटलीस्ट कुछ परसेंट तो आएगा। 4-5 रुपये कम ही मिल रहे हैं, भले मैं मान लेती हूँ आपको 30-40 रुपये जा रहा है, बट कोई नहीं, बाकी का रुपीज़ तो आ रही है, बट स्कैमर के पास जाओगे वो भी नहीं आएगा। तो इस चीज़ को समझो। और एक मैं यूज़र आईडी देती हूँ, आप में से किसी ने मुझे भेजा है इसका, अगर चैनल आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पर जितना भी प्रूफ्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं सब कुछ मेरा चैनल की प्रूफ्स है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ध्यान रखना इन चैनल वालों से, आप लोग दूर रहना, और जिन बंदे के साथ डील करो जिससे आप भी सेफ रहो और आप भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी इंटरेस्टिंग ऑफर के और अपडेट के साथ। अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।